आखिर मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात विधानसभा में बोल दी जो झारखंडियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, दबाव किसका होगा? देखिए, जो भी यहाँ पे बाहरी लोग हैं 5%, क्योंकि एकदम नगण्य एक संख्या है, समुदाय है, जिनके दबाव में वो आज जो है बयान को फेरबदल कर रहे हैं। और ये सबूत है, गवाह है, हम लोग यहाँ के नवयुवक जब जब जाग उठा है, जैसे हजारों की संख्या में यहाँ अंग्रेज आए थे और उनको यहाँ से घुटने टेक कर वापस भेजा गया सीधों कानू के द्वारा, और यहाँ तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ 5-6 आदमी हैं, ये इसको हम लोग नहीं मानते हैं। और ये बिल्कुल वो 2-4 आदमी के दबाव में ही, उसके ड्राफ्टिंग में ही, उसके अनुसार हमारे मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ का लोगों का हक और अधिकार को जो है हनन कर रहे हैं, ये बिल्कुल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाला समय में अभी जो है फिर से हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, झारखंड छात्र समन्वय समिति रणनीति तैयार कर रही है, और जो है सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और वो 5-6 आदमी को यहाँ से हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और हमारा हक और अधिकार को जो बात हो रही है 1932 का खतियान आधारित योजना नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति और स्थापन नीति, सारी नीति हमारे यहाँ सब हमारे अधीन में होगा और हमारे हक के लिए सब होगा। हमारे पास पाव में ये बयान दी जा रही है, आइए और भी छात्र नेता है उनसे सवाल करते हैं। सच में लग रहा है कि 5 लोगों के दबाव में झारखंड के मुख्यमंत्री ऐसा जवाब दे रहे हैं? ये हमारे भाई ने जिस तरह हमारे अनुज ने था, ये 100% सत्य है और साफ जाहिर हो रहा है। हमारे ये जो बाहरी लोगों का जो विचारधारा है, और हमारे मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेशों का आदिवासी मूलवासियों को ना ध्यान देकर के, जिन्होंने उसको वोट दिया है, जिन्होंने अपने मेहनत की वोट से आज उन्होंने CM के कुर्सी तक पहुँचा है, उनका ना चिंता करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाहर लोगों को चिंता करते हैं, ये उनके चिंता है। हम लोगों को खाली वोट बैंक समझ करके हमारे मुख्यमंत्री रखे, और बाहरी 5% जो लोग हैं उनका चिंता ये साफ जाहिर हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाहरियों लोगों को नौकरी देने के लिए ही उन्होंने प्लस टू का जो आधार माना है, यही लेकर के, ताकि सबसे अधिक से अधिक उनके अगर इर्द गिर्द जितने भी आप देख रहे हैं सारे लोग, चाहे उनका सचिव हो या उनका कोई विशेष सलाहकार हो या जितने भी आदमी आप देख रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी अगर रहते तो हमारे मुख्यमंत्री ये फैसला नहीं ले सकते जो आज उन्होंने विधानसभा में कल परसों उन्होंने लिया है। ये वो 4-5 लोगों के चलते आज पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता आहत है। बस हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी महोदय, इसको आपको विचार करें, अन्यथा आपको ये आने वाला कल वो 5 आदमी आपको वोट लेते नहीं आएंगे, यही की जनता आपको वोट देगी और यही जनता आपको खींच करके कुर्सी से उतारेंगे, ये आपको सब मैं बताना देना चाहता हूँ।